हेलो एवरीवन, नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज सीजन 2 एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले दो एपिसोड्स में आपने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के बारे में जाना था, तो चलिए अब क्लॉज 3 के बारे में भी जान लेते हैं। और क्लॉज 3 का टाइटल है कंडीशंस फॉर कंडक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मींस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। ये वो शर्तें हैं जो हर एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को फॉलो करनी चाहिए जब वो कंपनी को फॉर्म कर रही होती है। तब इस थर्ड क्लॉज में टोटल 8 सब क्लॉजेस बताए गए हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ और सब पॉइंट्स भी हैं। तो चलिए पहले सब क्लॉज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट सब क्लॉज कहता है कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज उपलब्ध करवाती है उसके आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी पहचान की जिम्मेदारी उसके ओनर, होल्डर, ट्रेडमार्क लाइसेंसी, सर्विस मार्कर या किसी भी आइडेंटिफिकेशन मार्क से आइडेंटिफाइड की जानी चाहिए। सब क्लॉज 2 का कहना है कि कंपनी को अपने सभी डायरेक्ट सेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड जरूर इशू करना चाहिए। सब क्लॉज 3 कहता है कंपनी को खुद मैनुअली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली अपने प्रोडक्ट्स सर्विसेज टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस, इनकम प्लान, डायरेक्ट सेलर्स की डिटेल्स और टर्मिनेशन, एक्टिव स्टेटस, अर्निंग एटसेट्रा पर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। अब इसमें दो सब पॉइंट्स और हैं, थोड़ा और प्रिसाइजली पॉइंट्स को क्लियर करते हुए। पॉइंट ए कहता है कि हर एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को डायरेक्ट सेलर्स के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जिसमें हर एक एनरोल्ड डायरेक्ट सेलर की रिलेवेंट डिटेल्स अपडेटेड और मेंटेन्ड की जानी चाहिए। पॉइंट बी कहता है और डायरेक्ट सेलर्स की डिटेल्स में वेरीफाइड एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और पैन कार्ड का होना जरूरी है। फोर्थ सब क्लॉज में लिखा है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के लिए एक वेबसाइट का होना भी जरूरी है, जिसमें कंपनी की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसकी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन, उनकी क्वालिटी सर्टिफिकेट्स, कंप्लीट इनकम प्लान, टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना चाहिए अपने डायरेक्ट सेलर्स और अपने कंज्यूमर्स के लिए। और वेबसाइट में प्रॉपर वो स्पेस भी होनी चाहिए जहां पर कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करवा सकें, और कंपनी को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनकी सभी कंप्लेंट्स विद इन 45 वर्किंग डेज के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाए। फिफ्थ सब क्लॉज कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने सभी डायरेक्ट सेलर्स को उनके पीरियोडिक अकाउंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए रिलेटेड टू देयर सेल्स, परचेज, अर्निंग डिटेल्स, कमीशंस, बोनस और बाकी रिलेवेंट डेटा, और जो भी उनके एग्रीमेंट में साइन किया गया है उनके डायरेक्ट सेलर्स के साथ वो सभी चीज़ें। सभी तरह के फाइनेंशियल ड्यूज को भी कंपनी को टाइम टू टाइम पे करते रहना चाहिए अपनी कमर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए। सिक्स्थ सब क्लॉज कहता है कि कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर्स पर मंथली बेसिस पर नज़र रखनी चाहिए, जिसमें कितनी परचेज हुई है इस पर ध्यान दिया जाए, और अगर परचेज का अमाउंट वैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स की वैल्यू से ज़्यादा हो तो डायरेक्ट सेलर्स को वैट पे करने के लिए भी इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। सेवेंथ सब क्लॉज कहता है कि एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को क्या नहीं करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट ए कहता है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी किसी को गलत, अधूरी इन्फॉर्मेशन और लालच देकर कंपनी में नहीं ला सकती है। बी पॉइंट कहता है कि कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर्स से ऐसे प्रोमिसेस नहीं कर सकती जिनकी पूरी होने की 100% गारंटी वो ना दे सके। पॉइंट सी कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए किसी को झूठे एडवांटेजेस का लालच नहीं दिखाना चाहिए। पॉइंट डी कहता है कि कंपनी अपने इनकम प्लान, प्रोडक्ट सर्विसेज या एग्रीमेंट जो उसने किसी भी डायरेक्ट सेलर के साथ साइन किया है उसके बारे में झूठी या फिर मिसलीडिंग बातें नहीं करनी चाहिए। पॉइंट ई कहता है कि कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर्स को भी गलत तरीके और गुमराह करके कंपनी के बारे में किसी को बताने का राइट नहीं रखती है, और अगर कंपनी इस तरीके से झूठे प्रचार या प्रसार करती है तो वो बिल्कुल गलत है। पॉइंट एफ कहता है कि कोई भी कंपनी धोखाधड़ी, जबरदस्ती, किसी का उत्पीड़न करते हुए या फिर इल्लीगल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकती, और ऐसा वो अपने रिन्यूमरेशन सिस्टम, एग्रीमेंट और अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए भी नहीं करेगी। पॉइंट जी कहता है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेनिफिट पहुंचाने के नाम पर ज्वाइनिंग फीस या रिन्यूअल फीस
या फिर सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन इक्विपमेंट्स या फिर मटेरियल के रूप में कोई भी सामान नहीं बेचना चाहिए उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। पॉइंट एच में लिखा है कि कंपनी को किसी न्यू पर्सन की एंट्री या रिक्रूटमेंट पर अपने डायरेक्ट सेलर्स को कोई स्पेशल बेनिफिट्स नहीं देने चाहिए और अगर ऐसा करती है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल नहीं आएगी। पॉइंट आई में लिखा है कि कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर्स से किसी तरह की मंथली सब्सक्रिप्शंस या फिर रिन्यूअल चार्जेस भी नहीं चार्ज करने चाहिए। और 8th सब क्लॉज के अंदर लिखा है कि हर एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका वो अपना रही है वो उसका पालन करे। उसमें काम करने वाला हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली तरीके से एसोसिएटेड है वो। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 में आई थी उसके क्लॉज 3 में क्या क्या कहा गया है। तो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के 4th क्लॉज मीन्स कंडीशंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डायरेक्ट सेलर एंड डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और 5th क्लॉज मीन्स सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्ट सेलर्स के बारे में हम 4th एपिसोड में बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के सीजन 1 और सीजन 2 के सभी एपिसोड्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप सभी एपिसोड्स को आसानी से देख सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वीडियो को हर एक उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं इसमें काम कर रहे हैं, लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही जगह पर काम कर रहे हैं या नहीं, ये उन्हें नहीं पता। अब क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की थी वो हमारे हित में ही जारी की थी, इसीलिए गाइडलाइंस में क्या लिखा है वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए ताकि हम सही कंपनी का चुनाव अपने लिए कर सके। इसीलिए या तो आप डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए, नहीं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और इसे सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो देन हिट द लाइक बटन, और अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं एंड यू नो दैट कि आपके सभी सवाल पढ़े जाते हैं। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे ऐसे बहुत सारे अमेजिंग एपिसोड्स और न्यू वीडियोज़ के साथ। Till then, goodbye. Jai Hind.